गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, जो लोग उत्तराखंड आते हैं, यहाँ के जो मनोरम वादियाँ हैं उनका आनंद लिए बिना नहीं रहते वो, और वो संजोए रहते हैं फिर उन यादों को। तो कितनी आनंदमयी, कितनी प्रकृति का यहाँ पे, कितना यहाँ का वातावरण, और इस सबसे बड़ा यहाँ का जो दैवीय वातावरण है, एक दिव्य वातावरण है, एक अलग ही अनुभूति होती है। चमोली ज़िले में जो हमारे चार धाम हैं हमारे उत्तराखंड के, बद्रीनाथ धाम सब जानते हैं, और सारे विश्व स्तर से यहाँ पे यात्री आते हैं, भक्तगण आते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं, क्योंकि चार धाम की यात्रा करने की मान्यता पीछे ये रहती है उनके कि हमारा जीवन सफल होगा। तो जो भी आस्था है, जो भी मान्यता है, उससे हमारा उद्देश्य नहीं, अच्छे के लिए है सब जो भी कुछ है। मगर सबसे बड़ी विचित्र बात ये कि जो यहाँ पे अकल्टिस्ट आते हैं, जो गुह विशेषज्ञ आते हैं, उनके लिए अकूत भंडार भरा हुआ है यहाँ पे। एक से एक चमत्कारी चीज़ें हैं, एक से एक वो चीज़ें हैं जो देख के अचंभा होता है और जिनको देख के सत्यता प्रतीत नहीं होती, लगता है कि अंधविश्वास हैं सारे। मगर ये अंधविश्वास और ये जो सुपरस्टिशंस, जो विश्वास न करने योग्य चीज़ें हैं, ये हम अचंभा करते हैं आज के जो उस समय में हमारे ऋषि मुनि, हमारे शीर्ष, कैसे, क्या शक्ति थी उनके पास, क्या उनके पास टूल्स थे, क्या उनके पास कितनी हाईली इक्विप्ड लेबोरेटरीज थी उनके पास, कि वो इन सब चीज़ों का आभास कर लेते थे। जो आज हम उनको पा रहे हैं कि सारी चीज़ें वो सत्य हैं बिल्कुल, अगर उनको विज्ञान की कसौटी पे उतारा जाएगा तो सत्य प्रतीत होंगे। अचंभे वाली बातें हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा मैं उदाहरण बता दूं आपको कि शंख ध्वनि का लेके, कि शंख ध्वनि का आप देखेंगे कि वेद है, अगर आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो बद्रीनाथ परिसर में शंख ध्वनि नहीं की जाती। ये तो एक चीज़ हो गई, अब वो उसको सुपरस्टिशन बना दिया, उसको अंधविश्वास बना दिया। मगर क्योंकि मैंने बताया कि मेरा सारा जीवन CSIR में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक हमारी लेबोरेटरी की, मैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा मिटिगेशन डिजास्टर, तो उसके अंदर अध्ययन ये किया जाता है सारा, जो उसका हमारा जो उसका फील्ड ऑफ हमारा वर्क है, जो जॉब है, वो क्विक्स को लेके, भूस्खलन को लेके, विंड वेलोसिटी को लेके, गस्ट फैक्टर्स को लेके, बर्फीले तूफानों को लेके, भूस्खलन को लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं इनको लेके, कि इनको जो नुकसान पहुंचाने वाले घटक हैं उनसे कैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स तलाश किए जाएं, ये उद्देश्य। मैंने देखा इसको, परखा मैंने कि जो शंख ध्वनि होती है, एक सर्टन फ्रिक्वेंसी की जो इसमें ध्वनि निकलती है, वो आज साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका कि उसके अंदर बहुत सारे जीवाणुओं को मारने की शक्ति निहित है। अब उसको अंधविश्वास वाले तो बिल्कुल कहेंगे नहीं, अंधविश्वास हो ही नहीं सकता, शंख ध्वनि से कैसे हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही अंधविश्वास मानेंगे कि शंख ध्वनि से जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो बर्फीली जो चट्टाने हैं, क्योंकि जो बद्रीनाथ धाम है, अगर जो गए होंगे जिन्होंने देखा होगा, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों से ढका हुआ है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल नवंबर के बीच छोड़ के सारा बर्फ़ ढकी रहती है वहाँ पे, इसीलिए अप्रैल से नवंबर के बीच में ही वहाँ पे बरसात के दिनों को छोड़ के जो तीर्थ यात्री हैं वो इन्हीं दिनों में जाते हैं बर्फ़ के कारण। तो वो बर्फ़ के डैमेज होने से, बर्फ़ के चट्टानों के खिसकने से, बर्फ़ के चट्टानों में क्रैक्स आने से, फिर संभावना क्या होती है, बर्फीली तूफान आने की संभावना होती है। तो वो बर्फीली तूफान को रोका, ये एक फैक्टर है ये। तो इसलिए उस समय में इसको वेद कर दिया गया, उस समय संत महात्माओं ने, शीर्ष ने, सन्यासियों ने, मुनियों ने, ये कहानी, ये इसका वैज्ञानिक आधार। मगर अगर लीजेंड्स में जाएं, अगर रूढ़ियों में जाएं, अगर किंवदंतियों में जाएं, कहानियों में जाएं, तो बच्चे को आपको मिल जाएगा सुनने में वहाँ से, जो वहाँ के पंडित हैं पुजारी हैं, वो बता देंगे छोटी छोटी कहानियाँ कि देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि तुलसी रूप में जब लक्ष्मी माँ साधनारत थी,
उस बेल्ट में, पर्टिकुलर बेल्ट में। तो दुष्ट जो राक्षस प्रवृत्ति होते थे उनका उद्देश्य यह होता था कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड होते थे, उनको क्रिएटिविटी से बहुत नफरत थी। तो उनका उद्देश्य था कि पूजा को खंडित करे, उनका उद्देश्य था कोई साधना न करे, आराधना न करे, पूजा न करे, हवन न करे, यज्ञ न करे, तो उसको नष्ट करने के उद्देश्य से, मतलब उनका उद्देश्य डेमन्स का ये होता था कि किसी को अच्छा नहीं करने देना, नष्ट करना है, डिस्ट्रक्टिव माइंड, डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति उनकी। तो वो विष्णु भगवान जी को क्रोध आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने जो उस समय का जो राक्षस था शंखचूड़, उसका वध कर दिया। और वो जो हमारी लक्ष्मी माँ थी वो डर गई, बहुत हो गया। तो तब से ये मान्यता चली आई कि अगर शंख ध्वनि करेंगे तो उनको, लक्ष्मी जी को उनकी याद आ जाएगी उस राक्षस की, तो फिर उनकी साधनाएं भंग होंगी। तो इसलिए वो वेद हो गया कि शंख ध्वनि नहीं होगी इस परिसर में। एक तो ये, और जो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिस समय अगस्त मुनि राक्षसों का संहार कर रहे थे, मार रहे थे उनको, खदेड़ रहे थे उनको, तो उसमें से दो दुष्ट राक्षस जो थे वो किस तरीके से बच निकले। ये दो दुष्ट राक्षस थे, एक आतपी था और एक वातपी था, बच गए, चंड थे भाई। वो राक्षसों में आपको क्या, आप नहीं जानते कि उनमें कितनी शक्तियाँ होती थी, वो सूक्ष्म रूप ले लेते थे, वो विशाल रूप ले लेते थे, उनमें जादुई शक्ति होती थी, अदृश्य हो जाते थे वो। तो शक्तियाँ तो होती थी उनके अंदर, बस उनकी प्रवृत्ति, मानसिकता उनकी डिस्ट्रक्टिव हो गई थी, नहीं तो उनकी शक्तियों में, उनकी ताकत में, उनके बल में कोई कमी थोड़ी थी। तो वो अपनी शक्ति से, अपने सूक्ष्म रूप से, अपनी योग शक्ति से, जो भी बोलें, तो जो आतपी था वो तो दुष्ट मंदाकिनी नदी में कूद गया, तो वहाँ छुप गया जाके वो। और जो दूसरा था वातपी, वो उसने सूक्ष्म रूप बनाया और शंख में छुप गया, शंख में घुस के बैठ गया वो। तो तब से वहाँ पे ये मान्यता चली आ रही है कि अगर शंख ध्वनि होगी तो ये जो आतपी वातपी दो राक्षस हैं, ये फिर से जीवित हो उठेंगे, फिर से बाहर आ जाएंगे और उत्पात करेंगे, तो फिर वो उसमें कैलमिटीज आएंगी, उसमें आपदाएं आएंगी, उसमें नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। तो वो नेचुरल डिजास्टर्स इस रूप में जो हम मिटिगेशन डिजास्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये मान्यता, ये आस्था, दोस्तों इन सब का उद्देश्य वस्तुतः ये होता था कि नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करें। और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो ही तरीके थे, या तो भय बिठा दे या भगवान के प्रति आस्था बिठा दे। ये इनके पीछे उद्देश्य कि जो काउंच है क्यों नहीं ब्लो किया जाता इस पर्टिकुलर परिसर में। दोस्तों ये हमारा उद्देश्य, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी लॉजिकल लगता है, थोड़ा सा भी साइंटिफिक लगता है, तो प्लीज़ गोपाला जी को वायरल करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।